हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपका सीएफए के ऊपर है। सीएफए के ऊपर मैं कंप्लीट आपको वीडियो शेयर करूंगा, बताऊंगा कि सीएफए कौन कर सकते हैं, सीएफए करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, फिर आपका सीएफए में क्या क्या मॉड्यूल उसमें होता है, फीस क्या होता है, फीस स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जाम कब होता है, एग्जाम में क्या क्या लेवल्स होते हैं, इसके बाद जब सीएफए कंप्लीट करेंगे उसके बाद आपको किसी का जॉब मिलेगा, इसमें आपका सैलरी क्या होगा, तो मैं कंप्लीट आपको मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा आपके साथ। वीडियो जरूर कंप्लीट देखिएगा, इसी जगह स्किप मत करिएगा क्योंकि सभी पार्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सीएफए इंस्टीट्यूट का लोगो है और साथ में आप वेबसाइट देख सकते हैं www.cfainstitute.org। तो फ्रेंड्स, यही एकमात्र अभी तक करेंटली एक इंस्टीट्यूट है जहाँ से अगर आप सीएफए करेंगे तो वैलिड होगा आपका सर्टिफिकेट, अदर देन अगर और कोई इंस्टीट्यूट से करेंगे तो वैलिड नहीं होगा। मैं ये बता रहा हूँ एज पर 3rd July 2019। तो अभी तक और कोई इंस्टीट्यूट के पास सीएफए डिग्री देने का कोई राइट नहीं है। अगर इसके बाद किसी इंस्टीट्यूट के पास कोई राइट आता है तो अलग बात है, लेकिन करंटली और कोई इंस्टीट्यूट के पास राइट नहीं है, तो आप किसी और इंस्टीट्यूट से मत करिएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, पहले बात करते हैं सीएफए के बारे में। सीएफए होता क्या है, कौन कौन ये सब कर सकते हैं, एक नॉर्मल एक डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले सीएफए के बारे में डिटेल देखते हैं। सबसे पहले सीएफए जो आपको ये आपका है चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो सीएफए का फुल फॉर्म जो आपका होता है तो चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसमें इट एम्ड एट इंप्रूविंग द ग्लोबल फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। तो सीएफए हेल्प करता है ग्लोबल जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोफेशन है और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट देखिए, लुकिंग फॉर ए क्वालिफिकेशन टू बूस्ट देयर करियर इन फाइनेंस। जो लोग चाहते हैं कि फाइनेंस में कुछ करियर बनाने के लिए, उनके लिए क्वालिफिकेशन बहुत अच्छा है सीएफए का, और उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन सीएफए। नेक्स्ट, कवर्स कंटेंट रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री सेगमेंट लाइक इक्विटी, फिक्स इनकम, प्राइवेट इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड रियल एस्टेट। तो ये जो आपका जो कवर जो होगा, कोर्स जो होगा, इसमें आपका इक्विटी, फिक्स इनकम, प्राइवेट इक्विटी, डेरिवेटिव्स एंड रियल एस्टेट, इनके ऊपर ये बेस करके हो। प्रोवाइड्स इन डेप्थ नॉलेज ऑन फाइनेंशियल मॉडलिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एरिया। तो आपका जो नॉर्मल जो ये कोर्स करेंगे, इसमें आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग, फिर आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड अदर जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एरिया, उनको ये कवर करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इक्विटी रिसर्च, फॉरेन एक्सचेंज, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, ये कुछ आपके ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना सीएफए करने के बाद आप इसमें करियर कर सकते हैं। तो ये आपका कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है, इक्विटी रिसर्च है, फॉरेन एक्सचेंज है, इनमें आप देख सकते हैं अपना करियर ऐसे करियर के तौर पर उन सब जगहों में। अब बात करते हैं सीएफए एग्जाम का रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। सीएफए एग्जाम का फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट देखिए, इसमें आपका है फाइनल ईयर स्टूडेंट, अगर आप हो जैसे ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, ग्रेजुएशन में आप फाइनल ईयर स्टूडेंट हो तब आप अप्लाई कर सकते हैं आपके सीएफए लेवल वन एग्जाम के लिए। हाउएवर, आपका जो लेवल टू एग्जाम जब होगा उसके पहले आपका जो बैचलर्स डिग्री है उसको कंप्लीट करना होगा। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई फॉर सीएफए लेवल वन एग्जाम, हाउएवर वन मस्ट कंप्लीट हिज आर बैचलर डिग्री प्रायर टू रजिस्टरिंग फॉर द लेवल टू एग्जाम। लेवल टू एग्जाम के पहले आपका जो ग्रेजुएशन है उसको कंप्लीट करना होगा, ये मस्ट है। ऐसे देखिए, 4 years ऑफ प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस, फुल टाइम वर्क एक्सपीरियंस, यहाँ पे पार्ट टाइम नहीं चलेगा, फुल टाइम आपका वर्क एक्सपीरियंस होना होगा, एंड और 4 years ऑफ टोटल एक्सपीरियंस कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड वर्क। फुल टाइम वर्क डज नॉट नीडेड टू बी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड। आपका जो 4 साल का यहाँ पे प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, जो आपका फुल टाइम चाहिए, पार्ट टाइम नहीं होगा। आपका जो प्रोफेशनल जो वर्क होगा ये आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड नहीं चाहिए, कोई भी आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चलेगा, लेकिन 4 years का आपका मास्ट है। अगर 4 years नहीं होगा आपका सीएफए करने के बाद आप चार्टर के लिए अप्लाई करना होता है, जो आप नहीं कर पाएंगे। तो 4 years का प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस आपका मस्ट है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें देखिए, हैव एन इंटरनेशनल ट्रेवल पासपोर्ट। तो आपके पास एक इंटरनेशनल ट्रेवल पासपोर्ट मस्ट है, क्योंकि जब आप एग्जाम देंगे आपका जो वेरिफिकेशन होगा, आइडेंटिटी, फोटो आइडेंटिटी जो प्रूफ होता है, ये आपका पासपोर्ट ही माना जाता है, पासपोर्ट को वैलिड माना जाता है। बाकी अगर वोटर आईडी है, कुछ भी आप ये सब उनके यहाँ पे इनवैलिड है। तो आपके पास अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपको पासपोर्ट बनाना होगा, फिर जाके आप अप्लाई कर पाएंगे, और आप जब रजिस्टर कराएंगे तब भी आपको पासपोर्ट का जो लास्ट 4 digit होता है उसको एंटर करना होता है। नेक्स्ट जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज, सीएफए का जो एग्जाम होता है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, अदर देन कोई भी और लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज में नहीं होता। अगर आपको इंग्लिश नहीं आता तो इसमें दिक्कत होगा, सभी जो क्वेश्चन होंगे आपको इंग्लिश में होगा और कोई लैंग्वेज आपको अवेलेबल नहीं है, तो इंग्लिश भी आपका एक मास्ट है सीएफए एग्जाम के लिए। ऐसे की फ्रेंड्स, आपका सीएफए एग्जाम लेवल, सीएफए एग्जाम लेवल का क्या है, इसमें आपका 3 levels होता है, level 1, level 2 और level 3। लेवल वन आपका 2 times आपका एग्जाम होता है, जून एंड दिसंबर में, और लेवल 2 और level 3 आपका होता है जून में। तो लेवल 2 और level 3 आपको साल में एक ही बार आप दे सकते हैं, जो आप जून में दे सकते हैं, और लेवल 1 जो होगा ये आप जून एंड दिसंबर आपका 2 times आपका अवेलेबल होता है,
और दोबारा आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपने क्लियर नहीं किया। तो आप जैसे लेवल वन क्लियर करेंगे फिर आप लेवल टू में आएंगे, लेवल टू जब क्लियर करेंगे फिर आप लेवल थ्री में आएंगे, और लेवल थ्री कम्प्लीट होने के बाद जैसे मैंने पहले कहा कि फोर ईयर्स एक्सपीरियंस होने के बाद आपका जो वर्क एक्सपीरियंस के बाद आपको चार्टर होल्डर के लिए अप्लाई करना होगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सीएफए का एग्जाम फी। तो एग्जाम फी देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपका सिंस ये यूएस का इंस्टीट्यूट है तो इसमें आपको यूएसडी में आपको जो पेमेंट है ये आपको करना होगा। तो यूएसडी में आपका जो कैलकुलेशन है ये सब आपका आएगा, तो आपको करेंट जिस दिन आप पेमेंट करेंगे उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो मार्केट में जो करेंसी रेट जो होगा एक्सचेंज रेट जो होगा उसी के ऊपर आपका टोटल फीस बनता है। तो नॉर्मल जो आपका ऐसा फीस जो है आपका फर्स्ट आपका वन टाइम आपका एक फी लगता है प्रोग्राम एनरोलमेंट फी आपको ये कहलाती है और ये आपका है $450। तो ये वन टाइम पेमेंट है, इसके बाद आपको और कोई जो ऐसे एनरोलमेंट फी आपकी जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट आपका एक प्रोग्राम एनरोलमेंट फी होता है जो आपका $450 होता है। इसके साथ देखिए फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट जो आपका सी एफ ए एग्जाम जो जून में होता है, जून में जैसे मैंने कहा लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री तीनों के लिए होता है, जिसमें आपको फीस के लिए आपको तीन टाइम होता है। अगर आप जून का एग्जाम देना चाहते हैं, मान लीजिए आप जून ये वाला जून तो चला गया, मान लीजिए जून 2020 है, तो जून अगर 2020 की बात करेंगे तो आपका जैसे अर्ली रजिस्ट्रेशन फी है ये आपका है $650 और इसका आपका जो टाइम होगा ये आपका अक्टूबर में होता है। तो आपका अक्टूबर के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है इसको करने से आपको $650 आपको पे करना होगा। तो यहाँ पे $650 प्लस आपका $450 टोटल मिला के आपका यहाँ पे आपको पेमेंट करना है जो आपका बनता है 1100। ये आपका टोटल फी बनेगा जब फर्स्ट टाइम करेंगे। अगर मान लीजिए एग्जाम्पल की तब आपका क्लियर नहीं होता है तो नेक्स्ट टाइम जब आप देंगे अगर आपने अर्ली रजिस्ट्रेशन कराया तो आपका $650 आपको पे करना होगा। नेक्स्ट देखिए इसमें आपका स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फी जो आपका है $950 जो आपका एंड होता है फरवरी में, और जो लास्ट वाला है आपका लेट रजिस्ट्रेशन फी जो आपका होता है $1380 और ये आपका होता है मार्च में आपका एंड होता है। और एक जो आपका होता है फ्रेंड्स जो आपका लेवल वन का इसी एग्जाम होता है और लेवल वन के लिए आपका सी एफ ए एग्जाम जो होता है दिसंबर में उसके लिए, तो उसका जो आपका जो है इसमें आपका सेम अर्ली रजिस्ट्रेशन फी होता है आपका $650 और ये आपका एंड होता है मार्च के महीने में। स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन फी जो होता है ये आपका $950 सेम है आपका, ये आपका एंड होता है अगस्त में। आपका लेट रजिस्ट्रेशन फी जो आपका होता है ये आपका 1380 और ये आपका एंड होता है सेप्टेम्बर में। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने मंथ दिया एक एग्जाम्पल के तौर पर, ये माइट भी चेंज हो सकता है। एंड जो मंथ जो है जैसे आपका अक्टूबर फेब कुछ भी है, ये नहीं कि आपका जैसे अक्टूबर है तो 31 अक्टूबर को ऐसा नहीं है, माइट भी मान लीजिए 28 अक्टूबर हो सकता है 15 अक्टूबर हो सकता है। तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे आप सी एफ ए के जो वेबसाइट है उसमें जाके देख पाएंगे, उसमें डेट आपका मेंशन रहेगा कि कौन सा डेट कब है और ये आपका वहाँ पे जाके चेक करना होगा। एक एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि एंड्स अक्टूबर, नॉर्मली इसी महीने में आपका एंड होता है जो जो आपका रजिस्ट्रेशन फी है, डेट आपका ऊपर नीचे हो सकता है तो आप डेट आपको एक बार वेरीफाई करना होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स सी एफ ए का जो एग्जाम होता है इसका टेस्ट सेंटर इंडिया में कहाँ कहाँ पे है। तो पहले जून की बात करते हैं, जून में जो एग्जाम होता है सी एफ ए का उसके लिए आपके पास जो अवेलेबल ऑप्शन है ये आपका है अहमदाबाद, बेंगलोर, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली, पुणे। अगर हम दिसंबर की बात करेंगे फ्रेंड तो दिसंबर में थोड़ा टेस्ट सेंटर कम होता है क्योंकि सिर्फ लेवल वन का ही होता है, इसमें टेस्ट सेंटर कम है। इसमें आपको अवेलेबल जो ऑप्शन है आपका है बेंगलोर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, न्यू दिल्ली। तो दिसंबर के टाइम पे आपको अवेलेबल ऑप्शन कम है, तो देख लेना इनमें से जो भी आपके नियरेस्ट है इसमें दे सकते हैं। जो इसमें जो आपका जो जयपुर है, जयपुर भी रिसेंटली इसमें ऐड किया गया है, इसके पहले जयपुर नहीं था तो रिसेंटली जयपुर को भी ऐड किया गया है। अब हम बात करते हैं सी एफ ए प्रोग्राम में जो करिकुलम होता है क्या क्या चीज़ें पाया जाता है। तो इसमें देखिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग, एथिकल एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड, क्वांटिटेटिव मेथड, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स, कॉरपोरेट फाइनेंस, फिक्स्ड इनकम, डेरिवेटिव्स एंड इकोनॉमिक्स। ये आपका करिकुलम है और इन सब टॉपिक्स के ऊपर ही आपका लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री में आपका क्वेश्चन सेट होते हैं। इसके बाद आपका जो नॉर्मल जो इसमें कुछ लेवल ऑब्जेक्टिव होगा, कुछ लेवल आपका ऐसे टाइप भी होगा, तो डिपेंड करेगा आप जब लेवल एक एक लेवल में जाएंगे आप देख पाएंगे करिकुलम जो आपका परसेंटेज होगा क्वेश्चन का वो ऊपर नीचे हो सकता है। तब देख लेना एक बार आप जब रजिस्टर कराएंगे जो लेवल में होंगे उसमें किन कौन से टॉपिक से कितने परसेंट आपका मार्क्स का यहाँ पे एग्जाम में आएगा ये आप चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करेंगे सी एफ ए का एग्जाम अगर आप देंगे तो इसका रिजल्ट कब निकलता है। तो लेवल वन लेवल टू होता है, इसका रिजल्ट होता है आपका एग्जाम के विदिन 60 डेज के अंदर ही आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स अगर लेवल थ्री की हम बात करते हैं तो लेवल थ्री में आपका जो रिजल्ट है आपका विदिन 90 डेज के अंदर आपको मिलेगा। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स जॉब्स आफ्टर सी एफ ए, जॉब अगर आपने सी एफ ए कम्प्लीट कर लिया इसके बाद आपको कहाँ पे जॉब मिलेगा कैसे मिलेगा। तो जॉब के पास ऑप्शन से आपका है इन्वेस्टमेंट बैंक्स,
प्राइवेट इक्विटी, कैपियोस, वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स, इंडियन ब्रोकर्स। इंडियन ब्रोकर्स जो है इसमें अगर बाहर जाएंगे, अगर फॉरेन कंट्रीज में, अगर उनके जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उनमें जॉब कर सकते हैं। नॉर्मली मैं इंडिया के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसलिए मैंने इंडियन ब्रोकर्स बोला। और आप फ्रीलेंसर जो है, जैसे फ्रीलेंसिंग भी आप काम कर सकते हैं, अपना कंसल्टिंग फॉर्म स्टार्ट करके उसमें आप कर सकते हैं। अगर बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जॉब रोल सीएफए के बाद कैसा मिलेगा जो जो कंपनी में जॉब करेंगे, कुछ ऐसे जॉब प्रोफाइल्स होते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फंड मैनेजर्स, रिलेशनशिप मैनेजर्स, वेल्थ मैनेजर, क्रेडिट रिस्क कंसल्टेंट्स। तो इस टाइप के आपको जॉब रोल्स मिलेंगे, आपको डेजिग्नेशन मिलेंगे, और ये सब वेरी करता है कंपनी टू कंपनी, इनका नाम माइट भी और एक कंपनी में अलग हो। तो नॉर्मली ये सब कुछ पोर्टफोलियो है आपका जो जॉब रोल्स है इनका। अगर हम बात करें सैलरी के बारे में फ्रेंड्स, तो अगर हम फ्रेशर्स की बात करें, अगर हमें लेवल वन कम्प्लीट किया है, इसके बाद आपने किसी कंपनी में ज्वाइन किया एज ए ट्रेनिंग, तो अराउंड आपको 4 लाख के आसपास आपका सैलरी हो सकता है। सिर्फ लेवल टू अगर आपने कंप्लीट किया, अराउंड 7 लाख के आसपास आपका सैलरी होगा। और अगर आपने सीएफए लेवल 3 कंप्लीट कर लिया, देन आपका सैलरी जो है अराउंड 10 लाख के आसपास होगा। लेकिन ये बेरी कर सकता है कंपनी टू कंपनी, एक मैंने एक एग्जांपल के तौर पे दिया है, ये माइट भी बेरी करे कंपनी टू कंपनी। कोई जैसा आपका सीएफए लेवल 1 है कंप्लीट करने, माइट भी 3 लाख का भी पैकेज दे सकता है। ऑन एन एवरेज एक पैकेज है जो कंपनी टू कंपनी बेरी करता है। अगर आप एक्सपीरियंस है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो देखिए यहाँ पे सीएफए लेवल 1 जब आप कंप्लीट करेंगे, आपको अराउंड 8 लाख से 10 लाख के बीच आपका सैलरी पैकेज हो सकता है। सीएफए लेवल 2 अगर कंप्लीट करेंगे, आपका जो सैलरी पैकेज आपका 12 लाख से 15 लाख आपका जो पैकेज ये हो सकता है। और सीएफए लेवल 3 कंप्लीट करेंगे तो आपका 20 लाख से उसके ज़्यादा भी आपका हो सकता है। तो ये भी आपका एक एग्जांपल के तौर पे आपको ऑन एन एवरेज मैंने बताया, माइट भी ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। एक ओवरऑल एक मैंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया जो नॉर्मली एक इंडस्ट्री के ऊपर बेस करता है, वेरी कर सकता है माइट भी कंपनी टू कंपनी। बस फ्रेंड्स ये एक चीज़ मैं कहूँगा, जो भी सैलरी है एज पर अगर मैं सीएफए का बात करूँ, इंडिया मार्केट में सैलरी जो बहुत कम है। अगर आप बाहर जाएंगे इंडिया के बाहर, तो सैलरी बहुत अच्छा मिल रहा है। मान लीजिए यूएस में जा रहे हैं, यूके में जा रहे हैं, अगर उन जगहों पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आपका सैलरी बहुत अच्छा हो सकता है। कि आपको ये भी ध्यान में रखना है, अगर आपको बाहर अपॉर्चुनिटी मिले और अगर कोई प्रॉब्लम ना हो, तो बाहर भी जाके आप जॉब कर सकते हैं। ये सब कुछ डिटेल्स है आपके सीएफए के ऊपर। सो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट वीडियो सीएफए के ऊपर, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने जितना हो सके मैंने पूरा कवर करने के लिए ट्राई किया, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उनको कवर मैंने करा। और फिर भी अगर कोई और भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स सभी के साथ, और साथ में कुछ भी जैसे डाउट है कुछ भी है आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, टेक केयर एंड बाय।